बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी कि कैसे हम फ्रेंच फ्राइज़ को, फिंगर चिप्स को जो है वो लंबे अरसे तक फ्रीज़र में महफूज कर सकते हैं बच्चों के लिए, या अफ्तारी में आप इन्हें जब चाहें निकाल कर फ्रीज़ कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये फ्रीज़ करने के बाद काले हो जाते हैं या फ्राई करने के बाद ये सॉफ़्ट हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे। तो चलिए मिलके बनाते हैं फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़। यहाँ पे हमने आलू छील कर ले लिए हैं, तो सबसे पहले जो है वो इनकी हम जो है वो कटिंग कर लेंगे। फ्रेंच फ्राइज़ की शक्ल में इनकी जो है वो हम कटिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा जो है वो हमने मोटे नहीं रखने, नॉर्मल इनका साइज़ जो है वो रखना है। तो आप चाहे जैसे मर्ज़ी जो है वो कर लें, क्योंकि मशीन के साथ भी जो है वो फ्रेंच फ्राइज़ बना लेते हैं लोग, लेकिन हर एक के पास मशीन नहीं होती। तो छुरी किसे आसानी से आप जो है वो इस तरह फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो बना सकते हैं। तो सारे आलू जितने भी हमने करने हैं फ्रीज़ वो हमने काट लेने हैं इसी तरह फ्रेंच फ्राइज़ की शक्ल में। कुछ लोग कहते हैं जी कि हमारे आलू जो है वो अगर फ्रीज़ करते हैं तो वो उसके बाद जब फ्राई करते हैं तो बहुत जो है वो सॉफ़्ट हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा तरीका हम आपको बताएंगे आज कि बिल्कुल भी आपके फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो काले नहीं होंगे फ्रीज़र में। आप जब चाहें उन्हें निकाल कर जो है वो बच्चों को करके दें आप फ्राई, क्योंकि रमज़ान शरीफ है तो ज़्यादा टाइम नहीं होता। बंदा चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वक्त इबादत में गुजारे, काम कम से कम करना पड़े। तो वैसे भी आप अगर बच्चों वाला घर है तो आप इन्हें फ्रीज़ करके रख लें, क्योंकि बच्चों को किसी भी वक्त कोई चीज़ खाने के लिए चाहिए होती है, तो आप उस वक्त उनको निकालें, फ्राई करके आप दे दें तो आसानी हो जाएगी इससे। तो वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए मिलके बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़। तो यहाँ पे हमने सारे फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो काट लिए हैं जितने हमने करने हैं। पहले स्टेप में हमने सारे फ्रेंच फ्राइज़ काट लिए हैं, तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक कढ़ाई हमने ले ली है, तो इसमें डालेंगे हम तकरीबन 3 से 4 लीटर पानी। जितने हिसाब के आपके चिप्स हैं इतने होंगे, चिप्स इजीली इनमें जो है वो डूब जाएं। इसको बॉयल आने देंगे। 1 चम्मच नमक डालेंगे, मिक्स कर देंगे और पानी को जो है वो बॉयल आने देंगे। यहाँ पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो अपने जो है हमारे फ्रेंच फ्राइज सारे हम इसके अंदर डालेंगे। चूल्हे की फ्लेम हमने हाई रखनी है और टाइम रख कर हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट इसे इस तरह गर्म पानी के अंदर जो है वो इनको बॉयल करना है। इससे ज़्यादा नहीं करना, सॉफ्ट हो जाएंगे और वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट हो गए इसे पकते हुए, तो इसके ऊपर ये जो वाइट वाइट पार्ट आ गया, बस यही इसका जो पोटैटो स्टार्च होता है हमने यही निकालना होता है मेन मकसद जो है। इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं निकालना। आप देखें इनके सिरे से भी जो है ये ट्रांसपेरेंट से होना स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे हम चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे और इन्हें जो है वो हम गर्म पानी से छान लेंगे। अब इनके ऊपर से जो है वो ठंडा पानी गुजारेंगे। और अब इसे जो है वो इनको पानी जो है वो ड्रेन होने तक इन्हें छोड़ देना। इसी तरह इनका पानी ड्रेन हो चुका है, तो अभी टेबल पे यहाँ हमने एक कपड़ा बिछा लिया है। आप पेपर टॉवल जो है वो ले सकते हैं, किसी किस्म का भी सूती कपड़ा आप लें, उस पे उनको जो है ये इस तरह अलग अलग करके हमने बिछाना है।
बिल्कुल इक्वल हमने बिछाए हैं, तो अब इसके ऊपर दोबारा से हम जो है ये कपड़ा लेंगे और आराम आराम से इन्हें जो है वो ड्राई करेंगे। आप किचन टावल ले लें, कोई सा भी कपड़ा ले लें, उससे आप इसे आराम आराम से इस तरह करें ताकि ये थोड़े से ड्राई हो जाए, इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो इनसे और अब इसे जो है वो हम थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह ये ड्राई हो जाए। अभी यहाँ पे एक बड़ा चम्मच जो है वो हम मैदा ले रहे हैं और एक चम्मच इस तरह बराबर जो है हम कॉर्नफ्लोर ले रहे हैं। मैदे का हमने बड़ा चम्मच लिया है और कॉर्नफ्लोर का हमने बिल्कुल बराबर चम्मच लिया, दोनों को हम जो है वो मिक्स करेंगे और इस तरह साथ में जो है वो उनको छान भी लेंगे। यहाँ पे हमारे आलू जो है वो ड्राई हो चुके हैं, बिल्कुल ही हमने इनको सुखाना नहीं है, बस इनमें मॉइस्चर रहना चाहिए थोड़ा बहुत, तो इनको हम जो है यहाँ पे एक बड़े ट्रे में निकाल रहे हैं। तो अभी जो मैदा और कॉर्नफ्लोर हमने मिक्स करके रखा है वो थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर हम इस तरह स्ट्रेनर की मदद से जो है वो फैलाएंगे। तब इनको इस तरह मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा थिक जो है वो लेयर हमने इस पर कोटिंग नहीं करनी, कोई हमने इसमें जो है वो मसाला नमक मिर्च वगैरह नहीं जो है वो हमने मिलाया, क्योंकि नमक हम पहले ही बॉयल करते हुए इन्हें जो है वो जब इनको लॉन्च किया तो डाल चुके हैं। ये बिल्कुल सिंपल हम जो है वो फ्रीज़ करेंगे, आप चाहें तो आप इसमें स्पाइसेस जो है वो मैदे में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छी तरह ये बहुत हल्की सी जो है इस पर फिन सी जो है वो लेयर आई है और बिल्कुल ये ड्राई हो चुके हैं। अभी यहाँ पे हम जो है वो ये शॉपिंग बैग ले लेंगे, जिपलॉक बैग आप कोई सा भी ले सकते हैं, किसी किस्म के भी बैग या टाइट होना चाहिए बस उसको। तो यहाँ हमने सारे इसी तरह जो है वो पैक कर लिए हैं, आप इन्हें आराम से रखें, जब चाहे आप इन्हें निकाल कर बच्चों को फ्राई करके दे सकते हैं, इफ्तारी में आप बनाएं, आपको ज़्यादा जो है वो टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि ज़्यादातर बंदा कहता है कि इबादत कर ले और टाइम कम जो है वो काम में गुजारे, तो इनको आराम से आप 6 महीने तक भी फ्रीज़ कर सकते हैं जब आप निकालेंगे। लेकिन आपने डायरेक्ट इनको निकाल कर आप इनको गर्म ऑयल में डालेंगे, निकाल कर रखने की आप इनको ज़रूरत नहीं है, ना ही इनका रंग काला होगा और ना ही ये नरम पड़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो जो है फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ की आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि किसी और का भी इसमें फ़ायदा हो जाए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।